अस्सलाम वालेकुम, मैं किया और मैं आपके लिए लाइव में एक अच्छा सा प्यारा सा चैनल जिसमें आपको मैं दूंगी रिव्यूज और रिव्यूज होंगे उन पे जो मैं चीज़ें मंगवाऊंगी ऑनलाइन चीज़ें मंगाएंगे, उन पे उनकी अनबॉक्सिंग करेंगे और उन पर मैं दूंगी अपने कमेंट्स, अपने रिव्यूज पेश करूँगी ताकि आप लोगों को पता हो कि आपने कौन सी चीज़ लेनी है और कैसी लेनी है और कितनी अच्छी होगी वो आपके लिए या आपके लिए खराब होगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अपना फर्स्ट जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मैंने जो पहले मैंने ऑर्डर किया था दराज से, ऑर्डर किया था मैंने पावर बैंक, तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और अभी देखते हैं कि ये किस तरह का है और कितना यूजफुल है। कहने को तो ये बहुत अच्छा है, पैकिंग भी इनकी काफ़ी अच्छी है, इनके रिव्यूज भी काफ़ी अच्छे थे, इसी वजह से मैंने इसको ऑर्डर किया था। और काफ़ी इसका जो है ना वो कम प्राइस मुझे लगी थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये डबल पैकिंग में आपको मिलेगा। ये देखिए, ये रैपर में भी इसको पैक किया हुआ था बहुत अच्छे से और उसके ऊपर उन्होंने एक फोम टाइप के रैप किया हुआ था ताकि इसको जो है मतलब जैसे ये ट्रैवल कर रहे होते उनको भेज रहे होते तो उस टाइम में इस पे कोई खराश वगैरह ना या इसको कोई नुकसान ना पहुंचे। ओके, तो इसको खोलते हैं और ये है जनाब हमारा पावर बैंक और देखने में तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। वैसे मैंने इसमें डिफरेंट कलर्स थे और मैंने इनको बोला था कि मुझे जो है ना आप लेमन येलो कलर दे दें, बट उसमें अवेलेबल नहीं था तो मुझे ब्लैक कलर में ही मिला। और लेकिन ब्लैक कलर में भी काफ़ी अच्छा है और शाइनिंग है, इसमें देखने में बहुत अच्छा है। इसमें दो स्लॉट्स हैं, एक स्लॉट डाटा केबल की है और दूसरी स्लॉट जो है इसकी डाटा केबल की जो पिन होती है वो लगाने के लिए। और इसमें और क्या है, इसमें ये मैंने एक डाटा केबल भी हमें साथ में दी है, बहुत ज़बरदस्त, ये भी बहुत प्यारी सी है। और ये चार्जिंग के लिए भी है और ये मोबाइल चार्ज करने के लिए भी है और इसको पावर बैंक को भी चार्ज करने के लिए। तो ये 2-in-1 जो है हमें उन्होंने दिए, दोनों तरफ से ये काम करेगी। हाँ, लेकिन आपको अडॉप्टर अपना यूज़ करना पड़ेगा। और ये आपका जो है ये इनके साथ इसकी छोटी सी एक बुक उन्होंने दी है कि आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं और कैसा है काम ये करता है। और ये इसके साथ एक वारंटी कार्ड है, ये 3 to 4 months का वारंटी कार्ड होता है, आपके साथ इसको मिलता है। और 3 to 4 months में आप इसको चेक करके अगर आपको कोई खराबी इसमें नजर आ रही है, जब भी खराब हो जाता है कुछ इस तरह का होता है तो फिर हाँ ब्रेकेज पे आपको ये वारंटी यूज नहीं कर सकते। ये इसकी आप सारी इसमें डिटेल्स दी हुई है कि किस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं, किस तरह वारंटी कार्ड को यूज कर सकते हैं। ये देखिए यूजर मैनुअल जो है ना ये उन्होंने आपको साथ में दिया होगा, तो इसको पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि जी आप इसकी किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और साथ में उन्होंने बताया हुआ है कि जी इसकी चार्जिंग डिटेल्स क्या हैं, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, क्लेम रूल्स क्या हैं, आई मीन टू से कि आपको जो वारंटी है उसकी क्लेम करने के रूल्स क्या हैं, क्यों आप इसको क्लेम कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि डाटा केबल इसमें किस तरह लगानी है। और मैं एक और आपका इसका फीचर दिखाती हूँ, ये इसमें एक छोटी सी बंदूक बनी हुई है, इसको हमने थोड़ा सा ऊपर करके इसको ये देखिए इस तरह खुलेगी। और ये इसमें छोटी सी डाटा केबल जबरदस्त सी एक और आपको डाटा केबल मिल रही है। और इसका फायदा ये है कि इसको आप जब भी आप दूसरी डाटा केबल को भूल जाएं तो आप इसको लगा सकते हैं, छोटी वाली को। ओके, ये इस तरह इसको सॉकेट को लगाना है डाटा केबल की और ये वाली साइड जो है ये आप मोबाइल में लगाएंगे। और अब जब इसको चार्ज करना है तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह करना है। ये चार्जिंग के लिए आपने इसके दूसरे स्लॉट में ये इस तरह पिन को लगाना है और दूसरी साइड से जो है आपने ये जो दूसरी साइड है इसको आपने अपने अडॉप्टर पे लगा लेना है। और जब आप इसको चार्ज करेंगे, ये आपको चार्ज करके दिखाती हूँ, जब आप इसको चार्ज करेंगे तो इसकी जो लाइट है वो रेड कलर की हो जाएगी, मतलब रेड कलर की लाइट जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर देगी। और इसको आपने कम से कम 5 से 6 घंटे आपने फर्स्ट इसकी रिचार्ज करना है, क्योंकि ये जब तक ये ब्लिंक करती रहेगी तब तक ये लाइट जब तक ब्लिंक करेगी तब तक इसका मतलब है कि इसकी चार्जिंग हो रही है। जब ये स्टिल हो जाएगी तो ये मतलब आपका ये जो फुली जो है वो पावर बैंक चार्ज हो चुका होगा। तो ये इसको तब तक आपने लगाना है। और ये अभी मेरे जो एक्सपीरियंस के मुताबिक है ये 5 से 6 घंटे तो लास्ट भी लेते हैं इसको चार्ज करने में। मैं आपको बता देती कि इसके बैटरी का क्या है। बैटरी इसकी जो है 4400 mAh है और ये 5000 mAh बैटरी को जो है ना वो काफ़ी अच्छा 65 तक जो है ना ये कर देता है चार्ज। और मेरा ख्याल है कि 44 अगर इसकी है कैपेसिटी तो ये काफ़ी अच्छा है वो सारे मोबाइल्स के लिए जिनको इसको चार्ज कर देता है। मतलब 65 से अबाउट जो है वो इसको एक मोबाइल को चार्ज कर सकता है एट ए टाइम। और मेरा ख्याल है कि काफ़ी अच्छी है। और चार्जिंग बस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है, इसको 5 से 6 घंटे इसको चार्ज पर लगाना पड़ता है तब जाके इसकी फुली एक दफ़ा ये चार्ज होता है। और देखने में भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ज़बरदस्त है। और मैंने अब तक जो यूज़ किया मुझे इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिले। और यहाँ पे इसके कुछ प्रिपरेशंस भी हैं कि आपने इसको किस तरह सेव रखना है। तो इसके साथ ही आई होप आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।